डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है हम एल्केन्स पढ़ रहे थे एक लेक्चर इस पर पहले भी हो चुका है जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन उनकी प्रस्तावना क्या होते हैं उनके बारे में बताया और उसकी संरचना के बारे में बताया था आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम नॉमन क्लेचर इनका नामकरण कैसे करते हैं एल्केन्स को का नॉमन क्लेचर देर आर थ्री सिस्टम्स इन द इन यूज़ फॉर नेमिंग एल्केन्स एल्केन के नामकरण की तीन पद्धतियाँ बहुत ही प्रचलित हैं पहली पद्धति है सामान्य या रूढ़ पद्धति कहते हैं दूसरा सिस्टम है डिराइव्ड सिस्टम जिसे हम व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं और तीसरा और फाइनली सबसे जो प्रचलित है आई सिस्टम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पहले हम थोड़ा सा इन दोनों जो फर्स्ट टू सिस्टम्स हैं इनके बारे में देखें द कॉमन और ट्राइबियल सिस्टम द फर्स्ट फोर स्टेट चेन हाइड्रोकारबन्स हैव नॉन सिस्टमैटिक नेम्स विच आर जनरली बेस्ड ऑन देअर सोर्सेज और सम अदर फैक्ट्स ये जो इस चेन इस मीठे इसके एल्गेंस के प्रथम चार जो कम्पाउंड हैं जो यौगिक हैं उनका जो नामकरण है वो कोई सिस्टमैटिक नहीं है बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से कोई ऐसे इनके सोर्सेज या इनके स्रोत जो हैं और दूसरे तथ्यों पर आधारित है कोई एक डेफिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका नोमन क्लेचर नहीं हुआ है जैसे मीथेन इथेन दो वाला है तो इथेन तीन वाला है तो प्रोपेन और चार वाला है तो ब्यूटेन इसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नेम्ड सिस्टमेटिकली विद नूमेरिकल प्रिफिक्स पेंट हैक्स हेप्ट टू डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड विद द एंडिंग एन टू क्लैरिफाई टू क्लासीफाई द कंपाउंड एज ए पैराफिन हाइड्रोकार्बन शेष जो सदस्य हैं उनका नामकरण जो पूर्व लग्न प्रिफिक्स प्रिफिक्स में पेंट हैक्स हेप्ट कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग लगाते हैं और एंड एंड विद द एंडिंग एन एं, और इस पैराफिन को डिनोट करने के लिए उसको क्लासीफाई करने के लिए हम लास्ट में क्या लगा देते हैं एन लगा देते हैं द नेम्स ऑफ फ्यू पैराफीस आर गिवन बिलो कुछ पैराफीस के कुछ एल्केन्स के इस तरह से हैं पाँच वाले को पेंटेन छः वाले को हेक्सेन, सात वाले को सी सेवन को हैप्टेन सी एट ऑक्टेन नॉन एन एंड डेकेन एक्सेट्रा इसी तरह से आगे चलता है Alkenes having straight chain of carbon atoms containing only primary and secondary carbons are named as normal hydrocarbons. जो एक degree और दो degree वाले होते हैं इन्हें हम primary और जो secondary hydrocarbons हैं इन्हें हम normal hydrocarbon कहते हैं और जबकि branched chain alkenes containing a tertiary carbon atom are termed as iso or neo जो having a quaternary carbon होता है तो हम इसको neo कहते हैं नेक्स्ट सिस्टम इज द डिराइव सिस्टम इन दिस सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर हायर एल्केस आर कंसिडर्ड एज डेरीवेटिव ऑफ मीथेन ऑप्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफिस हाइड्रोजन बाई वेरियस एल्के ग्रुप्स डिराइव्ड सिस्टम व्युत्पन्न सिस्टम जितने भी इस नॉमन इस नामकरण के अनुसार जितने भी हायर उच्चतर एल्केस हैं वो क्या कंसिडर्ड होते हैं दीज आर द डेरिटिव ऑफ मीथेन मीथेन का ही डेरिवेटिव हैं मीथेन का एक हाइड्रोजन हम लगा दें और दूसरा एल्किल ग्रुप लगा दें उसमें तो ये क्या हो जाएंगे ये जो उच्चतर हाइड्रोकार्बन हैं उनकी नेमिंग की जाती है जैसे वन वाला सी वन वाले को मीथेन कहते हैं दो वाला एक एच हटाया मीथेन में से आपने एक मिथाइल ग्रुप लगाया तो मिथाइल मीथेन तीन वाला इथाइल डाई मिथाइल मीथेन इथाइल मिथाइल मीथेन और सो जनरली दाईली ब्रांच कार्बन एटम ऑफ एल्केन इज चोजन एज द मीथेन कार्बन एंड नेम्स ऑफ एल्किल रेडिकल्स अटैच टू इट आर प्रिफिक्स टू द वर्ड मीथेन जो ब्रांचिंग है जो शाखित हो जाते हैं उनमें क्या करते हैं हम एज अ मीथेन उसमें जितनी भी द नेम्स ऑफ एल्किल रेडिकल्स उसमें जितने भी ये परमाणु को एल्केन के अधिकतम शाखित वाले कार्बन परमाणु को मीथेन कार्बन परमाणु मीथेन कार्बन परमाणु चुना जाता है और इस कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए विभिन्न एल्किल समूह को मीथेन शब्द पर पूर्व लग्न मानते हुए अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित रूप में लिखते हैं ठीक है फोर डिग्री इज़ ग्रेटर पहले वो फोर डिग्री थ्री डिग्री टू डिग्री एंड वन डिग्री अब है जो अपना सबसे ज़्यादा प्रचलित है जिनके क्योंकि जैसे जैसे उच्चतर एग्जिस्ट होने लगे उन पे रिसर्च चलने लगी तो ये सिस्टम फुलफिल नहीं करते थे इनके द्वारा नेमिंग में दिक्कत आने लगी तो हमारा एक सबसे जो बहुत सबसे पॉपुलर सबसे रेप्यूटेड जो सिस्टम है पद्धति है आई सिस्टम इसे दिया गया इंटरनेशनल फॉर यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द अबाउट टू सिस्टम्स आर नॉट फाउंड सुटेबल फॉर नेमिंग सब्सटेंसेस ऑफ ग्रेटर कार्बन कंटेंट ज़्यादा कार्बन वालों का नेमिंग में दिक्कत आने लगी उसके लिए वो उपयुक्त नहीं थे इसलिए आई पद्धति के अनुसार एल्केन के नामकरण हुआ इसके कुछ नियम हैं इनके कुछ रूल्स हैं क्या रूल्स हैं आपने पहले भी पढ़ा है पहला है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चें चेन ऑफ कार्बन एटम सबसे लंबी सतत कार्बन परमाणु श्रृंखला का चयन जो भी आपके पास एल्केन है उसमें हम क्या देखें सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखें उसके उसको आप मेन मेन रखिएगा इस नियम के अनुसार सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और एल्केन को उस श्रृंखला का व्युत्पन्न मानते हैं उदाहरण के लिए सबसे लंबी श्रृंखला को हमने क्या कर रखा है डॉट से बता रखा है जैसे पेंटिन डेरिवेटिव है ये हेक्सेन है, डेरिवेटिव है दूसरा नियम सेलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड कार्बन चेन वरीय कार्बन श्रृंखला का चयन किसका कौन सी प्रिफर्ड होती है जिससे कि एल्किल ग्रुप्स या प्रतिस्थापी अधिक मात्रा में लगे हों आप देखिए आप दोनों एग्जाम्पल देख रहे हैं हमने डॉटेड लाइन से आपको प्रिफर्ड चेन बताइए तीसरा है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन द कार्बन एटम्स इन द चेन्स आर नंबर्ड फ्रॉम वन एंड टू अदर आई द राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू ज डेजिग्नेट द पोजिशन ऑफ सबस्टूटेंट ग्रुप्स बाई द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फीगर्स क्या कह रहे हैं ये कि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन नंबरिंग एक सिरे से दूसरे सिरे तक किया जाता है अर्थात दाएँ से बाएँ या बाएँ से दाएँ राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जिससे जो पाशर्व श्रृंखला हैं जो साइड चें हैं उनकी स्थिति उनकी पोजीशन छोटे से छोटे क्रमांक से व्यक्त की जाए स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर इसमें क्या है इसकी नेमिंग अनुस, के अनुसार इसकी नंबरिंग के अनुसार स्मॉलेस्ट नंबर मिले आप दो एग्जाम्पल दे रहे देख रहे हैं टू थ्री डाई पेंटेन थ्री फोर डाई पेंटेन इसमें हम का हमने बताया कि जो पहला स्ट्रक्चर है टू थ्री डाई पेंटेन ये आपका क्या है ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट इन केस ऑफ सिमेट्रिकली प्लेस्ड सब्सिटेंट्स द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इज डन इन सच अ वे दैट द सब्सुटेंट विच कम्स फर्स्ट इन द एल्फाबैटिकल ऑर्डर गेट्स द लोअर नंबर क्या कह रहे हैं ये कि समिति सम्मित प्रतिस्थापी समूह में यदि समान है तो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन इस तरह से किया जाता है जो समूह अंग्रेजी वर्णमाला एल्फाबेटिकली पहले आता है उसे कम नंबरिंग दी जाती है फोर्थ है आपका जो रूल है जो नियम है नामकरण आयु पी के द्वारा जो दिया जाता है प्लेसमेंट ऑफ एल्किल सबस्टिटेंट इन द नेम क्या नामकरण में एल्किल प्रतिस्थापी की स्थिति The name along with the position of alkyl substituent is placed before the name of alkane. क्या कह रहे हैं Alkyl प्रतिस्थापियों के नाम और उनकी स्थिति एल्केन के नाम में पूर्व लग्न में लिखी जाती है कैसे प्रीफिक्स की तरह लिखी जाती है वेन मोर देन वन एल्किबस्टूडेंट्स आर अटैच टू द chain, their नेम्स आर arranged इन एन एल्फाबेटिकल ऑर्डर जब एक से अधिक एल्किल समूल श्रृंखला में जुड़े हों तब उनका वर्णमाला क्रम के क्रम में पूर्व लग्न में व्यवस्थित करते हैं कुछ सामान्य जो आपके जो एल्के ग्रुप्स हैं उनको हमने दिखाया है ब्यूटाइल इथाइल उनका जो क्रम है वो फॉलोइंग ऑर्डर सम ऑफ द कॉमन एल्काइल सबस्टिटेंट्स आर साइटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर इस ऑर्डर में इस क्रम में होना चाहिए पहले ब्यूटाइल देन इथाइल

ये कह रहे हैं कि जो हाइफनित पूर्व लग्न हैं जैसे सेकेंडरी टर्शरी इनके प्रथम अक्षर को पहले अल्फाबेट को अल्फा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं माना जाता जबकि जो नाइन नॉन हाइफो हाइफनित पूर्व लग्न हैं जैसे आइसो नियो साइक्लो इनको माना जाता है फिफ्थ पॉइंट इन केस, द सेम एल्किल सब्स्टूडेंट इज प्रेजेंट मोर देन वंस अ प्रीफिक्स डाई ट्राइ टेक्ट्रा पेंटा एक्सेट्रा इज यूज टू सबस्टूटेंट ने यदि एल्किल प्रतिस्थापी एक से अधिक बार उपस्थित हैं तब पूर्व लग्न प्रिफिक्स जो है वो डाई ट्राइ टेक्ट्रा आदि प्रतिस्थापी के नाम के आगे प्रयुक्त करते हैं इन पूर्व लग्नों को इन प्रिफिक्सेस को हम कैसे बताते हैं डी टी पी इस तरह से ये लेकिन ये आपके वर्णमाला क्रम में नहीं माने जाते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं माने जाते हैं इफ आइडेंटिकल सस्टूटेंस आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन देन द पोजीशन नंबर ऑफ दैट कार्बन इज रिटन ट्वाइस यदि ये एक से ज़्यादा होते हैं तो उनको इस तरह से लिखा जाता है एक एग्जाम्पल लिखा है जैसे फोर इथाइल टू टू सिक्स मिथाइल इथाइल द नेम ऑफ द एल्न इज रिटर्न एज वन वर्ड विद नंबर्स आर सेपरेटेड बाई हाइफन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ईच द लास्ट पॉइंट एल्केन का नाम लिखते समय दो अंकों के मध्य में अर्धविराम या कॉमा अंकों और प्रतिस्थापियों के बीच में हाइफन है लगाकर दिखाया जाता है एल का नाम एक शब्द में लिखा जाता है थैंक यू